हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन म्यूज़िक लेसन में। इसमें कुछ एपिसोड में बनाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो सरगम है, इसके अलंकार हैं, इसके जो राग हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है मेरे साथ। एपिसोड मैं इसके बनाया करूँगा, एपिसोड पहला एपिसोड है ये। तो अगर आप सीखना चाहते हैं हारमोनियम को, एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर, जितना आप टाइम देना चाहते हैं, जितना आप टाइम देंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे, तो आप इस इन एपिसोड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेसन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरगम से। ठीक है, जो मैं पहले 7 अलंकार बताऊंगा इस लेसन में, वो आपको फॉलो करने हैं। और केवल एक नोट से नहीं, आपको एक ऑक्टेव में सभी नोट से सिखाऊंगा मैं आपको, और वो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सरगम नहीं आती है बजाना किसी भी नोट से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस ऑक्टेव में आप हर नोट से सरगम बजा के दिखाइए, तो वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डलिए, कि हाउ टू प्ले सरगम फ्रॉम एनी नोट, यानी कि किसी भी नोट से सरगम बजाना कैसे सीखें, ना। तो सरगम का जो प्रिंसिपल है, मैंने उसमें बताया है कि जो सरगम है उसमें कितने नोट्स का गैप आता है। जैसे कि ग और म, इन दो सुर में कोई भी गैप नहीं आता। जैसे हम इस सर के अकॉर्डिंग देखें, ग और म, इनके बीच में कोई किसी भी नोट का गैप नहीं है। सिमिलरली नी और सा, इन दोनों के बीच में किसी का गैप नहीं है, जबकि बाकी सभी नोट्स में एक नोट का गैप है। जैसे कि सा और रे, इन दोनों के बीच में एक नोट है जो कि है रे कोमल। ठीक है, अब जैसे रे और ग, इन दोनों के बीच में एक नोट है, वो है ग कोमल। ठीक है, अब जैसे ग और म, क्योंकि म का कोमल नहीं होता, इसलिए म का जो पिछला वर्ड है वो हो जाएगा ग, इसलिए इन दोनों में कोई नोट नहीं है। ऐसे ही मैं बात करूं तो नी और सा, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरगम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए इस नोट को स मानते हुए। ठीक है, अब मैं आपको 12 नोट्स के एक ऑक्टेव बताऊंगा, वो आप कोई से भी ले सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। अगर आप गाने की प्रैक्टिस करें, सिंगिंग की भी साथ में करते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे खत्म होगा, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे खत्म होगा। तो हम जनरली स्केल कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे खत्म होगा जो उसका नेक्स्ट ऑक्टेव है ना, तो वो आपको गाने कवर करने में बहुत मुश्किल होगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी जो स्केल है वो है सी शार्प। ठीक है, ये इसका सुर है, बेस नोट है इसका सी शार्प, जिसको मैं समा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इस सरगम में आपको मैं अलंकार बताऊंगा। सबसे पहला अलंकार जो आपको प्रैक्टिस करना है, 7 में से इस एपिसोड में टोटल 7 बताऊंगा, जो भी जो पहला है वो सुनिए आप। ये हुआ इस स्किल के अकॉर्डिंग पहला अलंकार। अब इसको मैं आपको मात्रा के साथ, यानी कि बीट के साथ सुनाता हूं। बीट में ले रहा हूं खेरवा तार। ठीक है, ये खेरवा जो है 8 मात्रा की ताल होती है, इसमें जो 8 मात्रा है उसमें हम 8 सुर यूज करेंगे। ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा सा नी का पहला लंका। अब इसके दूसरे पे आते हैं। दूसरे में आपको क्या करना है कि जो हम एक एक बार स्ट्राइक कर रहे थे उसको अब आपको दो बार करना है। ठीक है, अब दो बार कैसे, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब इसको बीट के साथ देखते हैं। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ इसका दूसरा अलंकार। पहले में हमने क्या किया, एक एक नोट करके सरगम में बजाया। फिर दूसरी बार क्या किया हमने,
हर एक नोट को 2 बार बजाए, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। एक बात आपको बता दूं कि अभी हम केवल इस सर को मानते हुए कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ें आपको हर एक नोट से करना है, यानी कि एक बार यहाँ से करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। एक ऑक्टेव में 1200 होते हैं, तो हर 1200 में से एक एक करके आपको सभी सुर में से ये सरगम और अलंकार ट्राई करने हैं, जिससे आपकी गाने के जो आपके सारे सुर हैं उसकी पकड़ आपको अच्छी होगी, उसकी पकड़ आपको अच्छी होगी, और आपकी जो उंगलियां हैं वो बहुत जल्दी चलने लगेगी आपकी, है ना। 1 महीने के अंतराल में आप बहुत अच्छे से हारमोनियम बजा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। इसके 2 अलंकार हुए, अब जो इसका तीसरे पे हम आते हैं, तो जो तीसरा पे आपको करना है वो है सा रे गा, यानी कि इसमें जो करना है वो है 1 2 3, फिर 1 को छोड़ के 2 3 4, ठीक है। यानी कि 1 2 3 कवर करने के बाद जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था वो हमको छोड़ देना है, ठीक है। हमने जो पहला अलंकार किया था उसमें एक एक करके कर रहे थे, जो दूसरा अलंकार किया था इसमें 2 2 करके ये नोट्स हमने दिए, जो तीसरा अलंकार है इसमें 3 नोट्स यूज़ करेंगे, 1 2 3, तीनों ही अलग अलग होंगे। फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें 1 को छोड़ देंगे। अब जैसे देखिए सा रे गा, अब 1 को छोड़ के रे गा मा, अब रे को छोड़ दीजिए गा मा पा, अब गा को छोड़ के मा पा धा, मा को छोड़िए पा धा रे, पा को छोड़िए धा रे सा। अब ऐसे ही आपको लौटते समय करना है, अवरोह में करना है, सा नि दा नि दा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। अब इसको बीट के साथ करते हैं, सा रे गा रे गा मा गा मा पा फ्रेंड्स। ये हुए 3 अलंकार, अब इसके चौथे पे आते हैं। चौथे में आपको क्या करना है, सा रे गा मा रे गा मा पा, समझ में आ रहा होगा आपको, यानी कि 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट होगा उसमें 1 को छोड़ के 2 3 4 5, ऐसे ही आपको 8 तक जाना है, फिर ऐसे ही आपको लौट के आना है। तो फिर इसको बीट के साथ करते हैं, ठीक है। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी ये हुआ इसका 4 के साथ। अब आते हैं इसका 5 के साथ, ठीक है। यानी कि 5 का हम कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर एक एक को हटाते जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। अब ये उसका 5 के साथ, ठीक है। जो पहले 7 अलंकार है उसमें को ऐसे यूज करना है,
ये हुए पहले पांच अलंकार। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है छठवा, इसमें हमको छह नोट्स यूज करने हैं, सा रे ग म प ध तक जाना हमको, ठीक है। फिर इसमें हम सा छोड़ते जाएंगे एक एक करके, जब हम पहले कर रहे थे वो करना है। आइए इसको बीट के साथ देखते हैं। बीट के साथ देखते हैं इसको। सा रे ग म प ध, रे ग म प ध नी, ग म प ध नी सा नी ध प म ग, नी ध प म ग रे, ध प म ग रे सा। ये हुआ इसका छह नोट्स के साथ। अब इसके आते हैं लास्ट अलंकार पर, ठीक है, वो है सारे सात अलंकार। अब इसका जो आठवां है, इसमें सारे नोट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं बीट के साथ करते हैं इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए इसके आठ अलंकार। स्टार्टिंग में आपको इन आठों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी उंगलियां चल सकें, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको डिफरेंट स्केल्स पे इसके सरगम बताऊंगा। जैसे कि आपने अभी सा पे स्टार्ट किया था, अभी सा आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अब मैं आपको सारे ये जो 12 नोट्स की जो ऑक्टेव है, इसमें हर नोट से आपको सरगम बताऊंगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, अगर तो जो मैंने आपको आठों अलंकार बताए हैं या सात अलंकार बताए हैं, जो आठवां है वो सभी नोट्स में इंक्लूड होता है। तो जो पहले सात अलंकार हैं आपको हर एक नोट से सरगम प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ से स स्टार्ट करते हैं, तो स खत्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, यानी कि ऑक्टेव हुई हुई एक ही। तो इसमें जो नोट्स होंगे तो हर एक नोट से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से हुआ, अब यहाँ से आते हैं, अब नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सरगम, तो इसके लिए मैंने आप पहले बता चुका हूँ कि एक वीडियो बता चुका हूँ मैं, जो कि डिस्क्रिप्शन है, हाउ टू प्ले सरगम फ्रॉम एनी नोट। तो सबसे पहले आप उस सरगम को अपने दिमाग में बसा लीजिए, हर एक नोट से कैसे बजाते हैं, कि ग और म में कोई गैप नहीं आता, नी और स में कोई गैप नहीं आता, बाकी हर नोट में एक नोट का गैप आता है। तो इससे आपको सरगम की नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आपको हर एक नोट से ट्राई करना है। जैसे हम सर यहाँ से ले रहे थे अभी, अब मैं इसकी जगह पर यहाँ से लेता हूँ, तो कैसे हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सात अलंकार बताए थे, यहाँ से बताए थे पहले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना, आठवें में मतलब जो एक्स्ट्रा था वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसको आप हर एक नोट से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एपिसोड वन में केवल इतना ही था। पहले दिन आप इसका कम से कम जब तक आपकी उंगलियां चलने ना लगे, और अगर आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके हर सुर आपका पक्का नहीं हुआ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक जो नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, उससे पहले आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर जो आपको जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक था, केरवा ताल थी, और जो शीश आपका जो तानपुरा था, अगर आपको ये स्किल चाहिए रियाज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं इसके भी वीडियोस डाल दूंगा। केवल उसमें ट्यूटोरियल नहीं होगा, केवल जो बेसिक है वो होगा, जो उसका बैकग्राउंड है, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके भी मैं जो 12 स्किल्स हैं, सभी स्किल्स पे इसके तानपुरा के साथ खेरवा ताल में वीडियोस डाल दूंगा। तो इस लेसन से जुड़े रहने के लिए, इस क्रैश कोर्स से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता जाए। और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जब तक के लिए बाय बाय।